का गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि यूपी बीटीसी एडमिशन 2021-22 नोटिफिकेशन, यूपी डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में पूरी जानकारी में कि डीएलएड प्रवेश के लिए आवेदन कब से शुरू हैं, और डीएलएड में इस बार भी मेरिट में से प्रवेश है, और इंटर के समक्ष होंगे प्रावधिक शिक्षा के डिप्लोमाधारी, आयु क्या होगी, निवास क्या होगा एंड क्वालिफिकेशन क्या नीड होगी। तो इस तरह की जानकारी के लिए आपको वीडियो के साथ तो एंड तक जुड़े रहना होगा। आइए जानकारी के लिए वेबसाइट पर चलते हैं, gayatrijobs.com पे। कैंडिडेट, मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे दूँ डीएलएड की। डीएलएड प्रवेश के लिए आवेदन 20 जुलाई से हैं, तो डीएलएड वर्ष 2021 के लिए आवेदन 20 जुलाई से लिया जाएगा। वहीं 7 सितंबर से परीक्षण की शुरुआत की जाएगी, इसकी काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। प्रदेश में डीएलएड की लगभग 200,000 सीटों पर प्रवेश लिया जाना है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इस बार की भी मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के राजकीय व निजी कॉलेजों के लिए अभ्यर्थियों के संस्थान का विकल्प लिया जाएगा और मेरिट वार व श्रेणीवार उन्हें संस्थान आवंटित किया जाएगा। देखिए, प्रमुख तारीखें, विज्ञापन निकलेगा 15 जुलाई को, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा होगा 20 जुलाई से, काउंसलिंग 18 से 30 अगस्त होगी, अभ्यर्थियों की सूची 6 सितंबर तक, प्रशिक्षण शुरू होगा 7 सितंबर से और दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी 13 से 24 सितंबर। इंपॉर्टेंस डिटेल्स में जो इंपॉर्टेंस डेट यूपी बीटीसी और डीएलएड की है वो यहाँ भी प्रोवाइड है, और मैंने आपको वहाँ भी प्रोवाइड करा दिए। डीएलएड से इस बार भी परीक्षा जो मेरिट से प्रवेश होंगे डीएलएड में इस बार, तो डीएलएड में इस बार भी मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए जाएंगे, प्रवेश इस बार किए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2021 से पहली बार परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन कोविड समीकरण के मद्देनजर शासन के इसके लिए राजी नहीं हुआ और प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब नए सिरे से मेरिट के आधार पर प्रवेश को लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में 67 जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट है और इनमें से डीएलएड की 10,600 सीटें हैं। वहीं निजी कॉलेजों की संख्या 3103 है और इनमें डीएलएड की 23,1600 सीटें हैं, यानी प्रदेश में डीएलएड के कुल 242,200 सीटें हैं। डीएलएड की सीटों पर अब तक सीधे मेरिट से ही प्रवेश लिए जा रहे हैं, लेकिन वर्ष 2021 से पहली बार प्रवेश परीक्षा कराए जाने की तैयारी की गई थी। इसके लिए प्रशिक्षण नियामक अधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया। कोविड की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शासन ने प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव खारिज होने के बाद इस बार भी मेरिट से प्रवेश लिए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। डीएलएड का पिछला सत्र शून्य हो गया था, तो टीएटी के लिए 15 जून से आवेदन शुरू होने के आसार बहुत ही कम थे। अब आगे की जानकारी अब मैं आपको इस तरह से बता दूं, यहाँ पे इंटर के समक्ष होंगे प्रावधिक शिक्षा के डिप्लोमा धारी, कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड है। अब यहाँ पे जैसे आयु आवेदन है, तो अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन किया जाएगा अर्थात डीएलएड परीक्षा 2019 है, तो अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2019 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। न्यूनतम आयु सीमा किसी प्रकार की छूट ना होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से 5 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग विकलांग अभ्यर्थियों का अधिकतम आयु से 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। तो इसी तरीके से यहाँ आवेदन की जानकारी भी है कि आपकी निवास की क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश में स्थायी निवासी होंगे। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, वरना स्थिति अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको प्राइवेट कॉलेजेस मेरिट अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको वेबसाइट पे मिलेगी। ये कुछ यूपीपीटीसी की नोटिफिकेशन है, वो भी आप चेक कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एडमिशन में फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस है और SC ST की 200 रुपये है। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पहले तो नोटिफिकेशन को ज़रूर ओपन कर लीजिएगा। देखिए, मैं नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखाती हूँ। डाउनलोड नोटिफिकेशन, अभी लिंक एक्टिवेट हो रहा है, ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। लास्ट डेट से पहले आप इस के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिए जाते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।